ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और एक नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन का स्विच भी दबा लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो, अपडेट आए या कोई लाइव आए तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके ताकि जो भी अपडेट आती है साथ के साथ आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो दो धुरंधरों के बीच में है। मई की अगर हम सेल फिगर्स को देखें तो वेन्यू कम बिकी है और XUV300 ज़्यादा बिकी है, हालांकि महंगी होने के बावजूद भी ज़्यादा बिकी है, वो मेंटेन कर पाई इन चीज़ों को। फ़र्क थोड़ा ही है लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हो गई मिनी SUVs में XUV300। आंकड़ों की बात करूं अगर तो मई के अंदर 1257 XUV300 बिकी हैं और 1242 बिकी हैं वेन्यू। तो दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या कारण है कि क्यों बिकी ज़्यादा, चाहे एक गाड़ी ही ज़्यादा बिकी हो लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी में दूसरे रैंक पर आने वाली ह्युंडई के सामने, जिनका प्रीमियम कार्स के अंदर कोई लेना देना ही नहीं था, छोटी कार के अंदर मिनी SUV आई और वो अच्छा खासा तहलका मचा गई। आखिर क्यों, वो बात करते हैं, देखते हैं। दोस्तों शुरुआत करता हूं दोस्तों इनके पेट्रोल वेरिएंट से। दोनों के अंदर पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट आते हैं। वेन्यू के पास एक फ़ायदा और है कि उसके पास 1.0 लीटर और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जिसमें 1.0 लीटर का टर्बो इंजन है जो कि बेहतरीन DCT ट्रांसमिशन के साथ भी आता है। उधर महिंद्रा के पास 5-स्टार रेटिंग की एक सीना चौड़े करने वाली एक बात है, उनके पास सेफ्टी रैंकिंग के अंदर 5-स्टार लेके आई है गाड़ी वो, और सेफ्टी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो किसी और गाड़ी के पास है भी नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मेरा दोस्तों पहले ये शुरुआत रहेगी बेस वेरिएंट जो है इनके पेट्रोल, जो यानी कि कम से कम कीमत में आते हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वहाँ चलेंगे। उसके बाद जो इनके टॉप वेरिएंट हैं उन पे चलेंगे, फिर डीजल वेरिएंट की बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ई वेरिएंट आता है दोस्तों हुंडई की वेन्यू का, जिसकी की शुरुआती कीमत 6,70,000 रुपये है और पेट्रोल के अंदर ही, और वहीं पेट्रोल के अंदर ही XUV300 का एक वेरिएंट आता है 1.2 लीटर के अंदर ही W4, जिसकी की शुरुआती कीमत 8,30,000 रुपये है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 1,60,000 रुपये का बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बेस वेरिएंट्स के अंदर। इंजन्स की बात करते हैं दोस्तों कैसे कैसे हैं। 1197 cc के इंजन है दोनों के अंदर ही, लेकिन पावर फिगर्स का फ़र्क है। 82 BHP की पावर 6,000 RPM के ऊपर 114 Nm की टॉक के साथ जनरेट करती है वेन्यू, और वहीं पर अगर हम XUV की बात करें तो 108 BHP की पावर 200 Nm की टॉक के साथ जनरेट करती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इंजन बड़ा है, इंजन बोस्ट करता है कि मैं बड़ा हूँ, और उसके आगे की बातें भी हम चलते हैं। 4-सिलेंडर इंजन है दोनों और 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन हमें वेन्यू में और 6-स्पीड का हमें XUV300 में देखने को मिलता है। माइलेज की अगर बात करूँ तो तकरीबन एक जैसी है, अगर ऑन रोड कंडीशन में देखें तो कोई खास फर्क नहीं है। ARAI सर्टिफाइड 17.52 की मिलती है हमें वेन्यू में, XUV300 में 17 की मिलती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलती हैं हमें वेन्यू में, लेकिन XUV300 में सारी डिस्क ब्रेक मिलती हैं, यानी कि सेफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ना कुछ हर जगह जोड़ा गया है। सेफ्टी में ऑल डिस्क ब्रेक्स जुड़ी हुई है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है XUV300 के पास। टायर साइज़ की बात करो तो 195/65R15 टायर मिलते हैं हमें वेन्यू के बेस वेरिएंट में, वहीं पे 205/65R16 टायर मिलते हैं हमें बेस वेरिएंट में W4 में XUV300 में। बूट स्पेस की अगर बात करो तो बूट स्पेस के मामले में तो बदनाम ही है XUV300, उसमें तो बूट स्पेस बहुत कम है, जैसा कि कहा भी जाता है वो अंदर स्पेस मैनेजमेंट की गई है। तो बात करता हूँ दोस्तों बूट स्पेस की, 350 लीटर का बूट स्पेस है वेन्यू के पास और 259 लीटर का बूट स्पेस, यानी कि ठीक ठाक सा 100 लीटर का फ़र्क पड़ गया है बूट स्पेस का। वो डिफरेंस में कम बूट स्पेस लेके चलती है XUV। लेंथ विड्थ हाइट व्हील बेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, 3995 लेंथ दोनों की सेम है, बराबर है। 1770 विड्थ है वेन्यू की, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है 51 mm ज़्यादा, 1821 mm की विड्थ है XUV300 की। और अगर हाइट की बात करूँ तो 1605 वेन्यू और 1627 है XUV300, यानी कि यहाँ पे भी 25 mm बड़ी है। व्हील बेस की अगर बात करूँ तो 2500 mm का व्हील बेस है वेन्यू का और 2600 mm का व्हील बेस है XUV300 का, यहाँ पे भी 100 mm ज़्यादा है। तो शेप में प्रोपोर्शन के मेंटेन करने के हिसाब में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है XUV300।
पर्टिकुलरली मेरे को 51 mm का तो विड्थ का साइज़ का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है, क्योंकि ये जो शोल्डर रूम है वहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा इस चीज़ का। तो ये चीज़ एक डील ब्रेकर बन सकती है, जिस पर्सन जहाँ पे 5 पर्सन को बिठा के हमने चलना है वहाँ पे बड़ी कंफर्टेबली 3 पर्सन पीछे बैठ सकेंगे XUV300 में एज़ कम्पेयर टू वेन्यू। XUV300 में और क्या मिल जाता है हमें, उसमें सेंट्रल स्टोरेज मिल जाती है, सेंट्रल आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्टोरेज भी साथ में है उसके, और साथ में उसके फ्रंट एंड ईयर पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, टिल्ट स्टीयरिंग दोनों के अंदर है, और दोनों के अंदर ही हमें मैनुअल AC हीटर पावर स्टीयरिंग दोनों के अंदर मिल जाएंगे, ये कॉमन चीज़ें हैं। अब दोस्तों अगर बात करूं कि रियर सीट के अंदर क्या खासियतें मिलती हैं, तो रियर सीट में वेन्यू के अंदर बेंच फोल्डिंग है, लेकिन XUV300 में 60-40 स्प्लिट है, और म्यूजिक सिस्टम दोनों के अंदर ही नहीं मिल पाता, लेकिन सेफ्टी के अंदर देखें तो स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स दोनों में मिल जाते हैं, चाइल्ड आइसोफिक्स भी दोनों में मिल जाता है, लेकिन डे नाइट ORVM का एक बेनिफिट मिल जाता है वेन्यू को। उसके बाद इंजन इम्बोलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, 2 एयरबैग, ABS, EBD, ये सारी चीज़ें, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाती हैं। लेकिन XUV300 में और क्या खासियत मिलती है, बेस वेरिएंट से ही ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ब्रेक असिस्ट इसके साथ मिल रहा है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ों का बेनिफिट मिल जाता है XUV300 को। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि टॉप वेरिएंट क्या कौन सा आता है। टॉप वेरिएंट दोस्तों आता है SX+ डुअल क्लच ट्रांसमिशन का टर्बो इंजन जो आता है इसका वेन्यू के अंदर, और वहीं पे W8 का ऑप्शनल इंजन है, वो 11,99,000 की गाड़ी पड़ती है हमें, और यहाँ पे ये गाड़ी हमें 11,51,000 की पड़ती है, यानी कि यहाँ पे भी तकरीबन कोई 40,000 से 45,000 का फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें इंजन में थोड़ा सा फ़र्क है, इंजन की बात करते हैं, 1.0 लीटर का टर्बो इंजन मिल जाता है हमें, पेट्रोल में GDI इंजन मिलता है 998 cc का, वहीं पे 1197 cc का जो पहला इंजन है वही रहता है, एक ही इंजन के ऑप्शन है XUV300 में, और उसके बाद 3 सिलेंडर का इंजन वेन्यू और 4 सिलेंडर का इंजन XUV300। 118 bhp की पावर, 171 Nm के टॉर्क के साथ ये इंजन जनरेट करता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा इंजन है, लेकिन वहाँ पे 108 bhp की पावर 200 Nm के साथ जनरेट होती है, यानी कि टॉर्क के मामले में अभी भी XUV300 थोड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन बेनिफिट कहाँ है, 7 स्पीड का DCT जो मिल जाता है वेन्यू को, लेकिन ऑटोमेटिक ही नहीं XUV300 के पास, तो पेट्रोल के अंदर का आपको ऑटोमेटिक चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चनिंग है, यहाँ पे आपको XUV300 में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। तो माइलेज की अगर बात करो तो 18 की माइलेज ARAI सर्टिफाइड क्लेम की जाती है वेन्यू में, और 17 की माइलेज क्लेम की जाती है XUV300 में, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट उठा के ले जाती है वेन्यू के, कि इंजन छोटा है और पावर पिकअप ज़्यादा है, टर्बो इंजन है, माइलेज बेहतरीन मिल जाती है। तो डिस्क की अगर बात करो तो यहाँ पे भी फ्रंट डिस्क ही मिलती हैं टायर में, लेकिन ऑल डिस्क ब्रेक मिलती हैं XUV300 में। टायर साइज़ की बात करो तो 215/60 R16 टायर मिलता है हमें वेन्यू के अंदर, 215/55 R17 टायर मिलता है हमें XUV300 के अंदर। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है वेन्यू में, लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है हमें XUV300 में। दोनों के पास ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ USB, AUX और ब्लूटूथ की सुविधा भी हमें मिल जाती है। लेकिन क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या प्लस पॉइंट और हैं इसके पास, XUV के पास 60-40 स्प्लिट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, सेफ्टी के मामले में नी एयरबैग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम और ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं XUV300 में एक्स्ट्रा। अब दोस्तों करते हैं डीजल इंजन की बात। डीजल इंजन के अंदर भी दोनों के पास ऑप्शंस हैं। वेन्यू का जो ई वेरिएंट आता है, यानी कि बेस वेरिएंट आता है, जो 8,10,000 रुपये का है, डीजल के अंदर W4 XUV300 के अंदर 8,70,000 रुपये का है, यानी कि तकरीबन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50,000 का डिफरेंस हमें मिलता है। लेकिन इसके अंदर इंजन कौन सा है, U2 CIDI, उसके अंदर सिंपल 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, 1497 cc का इंजन XUV300 का, 1497 का। हमें 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक की सुविधा भी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे वेन्यू पीछे हो जाती है। अगर हमें ऑटोमेटिक चाहिए डीजल के अंदर तो XUV300 के पास ही है, वेन्यू के पास अवेलेबल नहीं है। टायर साइज़ की अगर बात करूँ तो 195/65 R15 है बेस वेरिएंट डीजल के अंदर वेन्यू में, 205/65 R16 टायर है बेस वेरिएंट के डीजल वेरिएंट में XUV300 में। माइलेज की अगर बात करूं तो 23.7 की माइलेज क्लेम की जाती है वेन्यू में, और 20 की माइलेज क्लेम की जाती है XUV300 में। SX ऑप्शनल डुअल टोन का टॉप वेरिएंट है 11,50,000 रुपये में, जो कि
W8 डुअल टोन का जो ऑप्शनल वेरिएंट है डीजल के अंदर 12,29,000 रुपये का है, यहाँ पे हमें 80,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें हमें साथ में मिल जाती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, नी एयर बैग, फ्रंट एंड रियर फॉग लैंप्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सुविधा मिल जाती है अगर हम 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो, लेदर अपहोल्स्ट्री, XUV300 के पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सुविधा है और ऑप्शनल के अंदर ही हमें 2 जोन का AC मिल जाएगा, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं और फॉलो मी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें, सेफ्टी का पैक हमें बहुत बड़ा मिल जाता है 80,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। लेकिन वेन्यू के अंदर क्या है जो XUV300 में मिसिंग है, उसमें DCT टर्बो मिसिंग है पेट्रोल के अंदर, कूल्ड ग्लव बॉक्स उसमें नहीं है और वायरलेस चार्जर की सुविधा नहीं है। तो दोस्तों वर्डिक्ट या निर्णय के ऊपर आएँ तो मेरे हिसाब से तो जो लोगों ने पसंद किया है XUV300 को इसके ऊपर, तो टॉप वेरिएंट अगर किसी ने लेना है तो मेरे हिसाब से तो जायज़ बनता है। डीजल इंजन में टॉप वेरिएंट, इतने सारे फीचर्स, हीटेड ORVMs, 2 जोन का AC और उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएँ, ऑल डिस्क ब्रेक जैसी, जो कि हमें किसी और गाड़ी में भी नहीं मिल रही। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर तो आपको डीजल का टॉप वेरिएंट लेना है फिर XUV300 की बेहतरीन गाड़ी है। इधर अगर हमें पेट्रोल के अंदर गाड़ी चाहिए और जिसके अंदर कुछ पैसे भी हमारे बच जाएं, बेस वेरिएंट लेना है तो फिर मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट के लिए तो वेन्यू ज़्यादा बेहतर है और 1.0 लीटर का टर्बो DCT इंजन मिल जाता है, बेहतरीन इंजन मिलता है हमें वेन्यू के पास। अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है सर्विस नेटवर्क की, सर्विस सेंटर्स की, तो आप ले सकते हैं वेन्यू और XUV300 से कोई भी। अगर आप रहते हैं गांव देहात के अंदर जहां पे ऐसी कोई परेशानी है या फिर सर्विस नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन ही रह जाती है वेन्यू की। रीसेल वैल्यू मेरे हिसाब से अभी भी वेन्यू की थोड़ी बेहतर है, लेकिन क्योंकि पर्टिकुलर हम एक गाड़ी को लेकर नहीं चल सकते, सारा पूरी कंपनी प्रोफाइल देखनी पड़ती है। अगर आप रीसेल वैल्यू की देखें तो ब्रांड इमेज भी साथ में मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, तो XUV300 बेहतर है। फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चाहिए, थोड़ी फन टू ड्राइव सी गाड़ी चाहिए तो फिर आप वेन्यू के पास चला जाइए, अगर आपको 1.0 लीटर का DCT इंजन चाहिए तो। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबाइएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।